हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 12.3.1 जो है हमारे सारे आईफोन्स और आईपैड के ऊपर मैंने अपडेट कर लिया हूँ। सारे आईफोन्स आईफोन 5S एंड अबव और सभी आईपैड जो है लेटेस्ट वाले, सभी के लिए ये वाला अपडेट आ चुका है। कल ही मैंने अपडेट का वीडियो बनाया था कि क्या आपको iOS 12.3 पे अपग्रेड करना चाहिए नहीं, और एप्पल ने आज जो है ये नया वाला अपडेट पुश कर दिया है। ये अपडेट जो है आपको अलग अलग साइजेस में मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द फोन मॉडल, लेकिन आपको बता देता हूँ बहुत ही छोटा सा अपडेट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। iPhone 10 अगर आपके पास है तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 78 MB का ये अपडेट मिलेगा, जो कि काफ़ी छोटा है। और उसके पुराने वाले जितने भी iPhones हैं यहाँ पे मेरे पास, तकरीबन जो है 50 MB का अपडेट मुझे मिला है सारे iPhones के ऊपर, चाहे वो iPhone SE हो, 7 हो, 6 या 6S वाला मॉडल हो। और मेरे iPad जो है उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा अपडेट आया है बाकियों के मुकाबले, जो है 105.8 MB का। iOS 12.3.1 जो है ये इंक्रीमेंटल अपडेट है, बहुत ही छोटा सा अपडेट है। और इसमें क्या नया है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे सारे जो फोन्स हैं और साथ ही साथ iPad के स्टोरेज के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है। तो स्टोरेज जो था अपडेट के पहले उसके बाद सारे iPhones के ऊपर एज वेल एज iPad के ऊपर 1 GB तक, 500 MB से लेके 1 GB तक सारे iPhones और iPad के ऊपर स्टोरेज बढ़ा है, सिवाय iPhone 6 के। iPhone 6 में 100 MB जो है वो स्टोरेज कम हुआ है। तो ये था दोस्तों अपडेट साइज और स्टोरेज बढ़ी है या कम हुई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अपडेट साइज काफी छोटा है, बिल्कुल आप आगे जाके अपडेट कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा अपडेट साइज नहीं है। और स्टोरेज साइज जो है डिपेंडिंग ऑन फोन मॉडल और कौन से iOS वर्जन पे आप पहले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोरेज बढ़ेगी या कम होगी। मेरे सारे iPhone में जैसे मैंने आपको बताया स्टोरेज बढ़ गई है सिर्फ iPhone 6 को छोड़ के। और ये जो अपडेट है अगर आप iOS 12.3 पे हो पहले से तो ही ये आपको 50 से लेके 100 MB तक का अपडेट मिलेगा। उससे पुराने वर्जन पे रहेंगे तो अपडेट का साइज बड़ा हो सकता है। दोस्तों ये वाला जो अपडेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, स्पेशली अगर आप जियो वोल्टी या एयरटेल वोल्टी वगैरह यूज करते हो, वॉइस ओवर LTE की टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करते हो और आप कॉल फेलियर का प्रॉब्लम आपको आ रहा था, चाहे वो रिसीविंग में हो या कॉलिंग के टाइम पे हो, वो वाला प्रॉब्लम अब यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन आप जो है अबाउट दिस अपडेट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिक्सेस एंड इशू दैट कुड प्रिवेंट मेकिंग एंड रिसीविंग वोल्टी कॉल्स। दोस्तों इस अपडेट के अंदर जो अगली चीज अपडेट कर दी गई है, जो आपके मेन कॉन्टैक्ट्स के मैसेजेस आते थे चाहे वो आई मैसेज के अंदर हो या SMS के जरिए से हो, आई मैसेज जो हमारा मैसेजिंग एप्लीकेशन है आईफोन्स के लिए, आईपैड के लिए, मैं आईपैड यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल के बता रहा हूँ ताकि बड़े डिस्प्ले पर ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट एंड SMS एंड अननोन सेंडर्स करके दो ऑप्शन होते थे। तो अननोन सेंडर्स में जो है आपके जो अननोन सेंडर्स होते हैं, जो लोग को आप कॉन्टैक्ट में जिनका नंबर स्टोर नहीं है और आपको वो लोग कुछ मैसेज भेजते हैं, तो फिल्टर होकर अननोन सेंडर्स में जाना चाहिए था, जो कि पहले नहीं जाता था, लेकिन अभी जो है प्रॉपरली जा रहा है। वो एक बग था जो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और अननोन सेंडर्स के अंदर जो है नीचे अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट जंक का जो ऑप्शन है वो कुछ डिवाइसेस में ऐसा देखा गया कि वो रिपोर्ट जंक का ऑप्शन जो है वहाँ पे नहीं आ रहा था या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, तो उसको भी यहाँ पे जो है ठीक कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे सारे iPhones के जो मॉडेम है वो भी अपडेट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए से कर दिए गए हैं, तो आपको बेटर जो है सेलुलर रिसेप्शन और कॉल क्वालिटी इस वाले अपडेट में मिलने वाली है। जरूर आगे जाइए दोस्तों और ये वाला अपडेट कर दीजिए, इसके अंदर जो है बैटरी लाइफ और बाकी सिक्योरिटी फीचर्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आपको नहीं मिलने वाला। जो भी अपडेट 12.3 में था वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आपने 12.3 का अपडेट 9 days के बाद जो फॉलो वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि iOS 12.3 में क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं। और iOS 12.3.1 के अंदर जो भी नया मिलने वाला है वो आपके सामने मैंने बता चुका हूँ। तो दोस्तों क्या आप ये वाला अपडेट करेंगे नहीं करेंगे, इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अगर आप नहीं करते, अगर आप वेट करते हैं, तो 2-3 दिन के अंदर या इस वीक के अंदर ही मैं ये वाले अपडेट का एक फॉलोअप वीडियो आप लोग के लिए जरूर लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।